श्रावण के पहले सोमवार भंडारे का आयोजन डीसी अशोक कुमार गर्ग ने लोगों को प्रसाद वितरित किया। खुद पत्तों की पत्तल में जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। प्लास्टिक पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, यह कहना है डीसी का। श्रावण के पहले सोमवार को आज विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। रेवाड़ी शहर के ट्रॉमा सेंटर के सामने प्रसाद वितरण कार्यक्रम में रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद वितरित किया और खुद जमीन पर बैठकर पत्तल में प्रसाद ग्रहण किया। उनके साथ नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का भी संदेश दिया गया। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, इसीलिए कानूनी कार्यवाही के अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के कारण गंभीर बीमारियां हो रही हैं, प्लास्टिक पर्यावरण को दूषित कर रहा है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। वर्षों पहले हम पत्तों के दोने पत्तल में खाना खाया करते थे, अब भी ऐसा करने में किसी को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। देखिए, भंडारा हमारी संस्कृति का पुराना हिस्सा है और ये ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का हमारी पुरानी संस्कृति है, तो इसलिए यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूरतमंद लोग फायदा उठाए। सर, जो प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दिया गया, आज हमने देखा कि यहाँ डिस्पोजल की जगह पुराने समय के जो पत्तल होते हैं वो यहाँ पर शुरुआत की गई, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो पॉलीथीन या प्लास्टिक नहीं होता था। इन पत्तलों में आज तो भंडारे पे एक विशेष उत्सव लग रहा है। हम जब छोटे थे तो इन पत्तलों में खूब खाना खाते थे, शादियों में जाते थे तो वहाँ भी इसी तरह बैठ के खाते थे, तो छोटे थोड़ी हो गए थे। तो ये प्लास्टिक हमें सुविधा ज़रूर देता है लेकिन हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। कैंसर इतना बढ़ा हुआ है, हर तरह की बीमारियाँ, दमा इतना बढ़ा हुआ है, इसके पीछे प्लास्टिक बड़ा कारण है। तो सरकार ने बैन तो कर ही दिया है, इलीगल है, उस पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शहर के लोग ये भी समझें कि स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, वो लोग भी इसमें सहयोग करें। सर, एक सावन का महीना चल रहा है, कावड़ का त्यौहार भी जिस सीजन आ गया है, तो क्या कुछ कहेंगे कावड़ियों को लेकर के, क्या दिशा निर्देश, गाइडलाइन प्रशासन? पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।